आपको बताऊं बहुत डैशिंग लुक है आपका इस समय। शुक्रिया आपका, आप लोगों का प्यार है। This is very nice, sweet, तो ये सिर्फ प्यार है कि कोई तैयारी चल रही है? नहीं, आप समझ लीजिए मैं एक्टर आदमी हूँ, तो बाकायदा डेफिनेटली आई एम लुकिंग एट डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स टू परफॉर्म एज एन एक्टर नाउ। तो इसलिए आई थिंक दिस इज हाउ आई वॉन्ट टू कम अक्रॉस विद माई ऑडियंस, तो इसलिए मैं बस ऐसे ही हूँ अभी। एक एज के बाद ना लुक को लेकर एक्टर्स बहुत वो होते हैं, मतलब वो दिखना चाहते हैं हमेशा जवान, लेकिन हर एज का अपना ग्रेस होता है जी। आप इस पर कहेंगे भी क्या, क्योंकि ये इस समय जो आपका ग्रेस और जो हैंडसम अलग लुक आया है उसको लेकर? मैं एक्चुअली बस किसी एक दिन उठ गया था वो काले करते करते, तो मैंने बोला अब नहीं करूंगा, बिकॉज जैसा हूँ वैसा ही मैं अपने आप को पेश करना चाहूंगा। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। I want to play my age, I want to play those characters and those roles which would suit my personality as of right now what I'm carrying. So looking forward to doing a lot of work as an actor. देखते हैं अभी आप लोगों का प्यार रहेगा और मुझे देखिएगा मुझे जाके क्षेत्र में। इन दिनों OTT में बहुत कहानियाँ सुनी सुनाई जा रही हैं, आप तो हर चीज प्रोड्यूस भी करते हैं, बनाते भी हैं, एक्टर भी हैं, तो क्या कुछ आपके पास अप्रोच हो रहा है, क्या कुछ आप कर रहे हैं? जी कुछ रोल्स हैं जो मेरे पास आते हैं, और मुझे अगर कुछ बाकायदा उसमें कोई मीट लगेगा, मुझे लगेगा कि इसमें कोई ऐसी बात है, तो मैं डेफिनेटली एक्सेप्ट करूंगा। पर इन दिनों में मैं स्क्रिप्ट सुन रहा हूँ, रोल सुन रहा हूँ। एक दो मैंने फिल्में की हैं, एक मैंने फिल्म की है इतर, जो मेरे ख्याल से इतर वो है वीना बख्शी जी की फिल्म है। वीना बख्शी ने नेशनल अवार्ड जीता था उनकी पिछली फिल्म में, और इन्होंने फिल्म कंप्लीट करी है, इन्होंने ऋतुपर्णा सेन गुप्ता के साथ उसमें। इट्स ए मैच्योर कपल की लव स्टोरी जो मेरे एज के साथ जाती है। और एक और फिल्म मैंने कंप्लीट करी है एज एन एक्टर, वो है टिप्सी, तो वो भी अगले साल आपको 2024 में मैं दिखूंगा स्क्रीन। और एक डायरेक्टर के तौर पर? डायरेक्टर के तौर पर टिप्सी है, और अच्छा। एक दो चीज़ें और भी चल रही हैं, तो अभी आप लोगों के सामने रहूँगा। हाल ही में आप खूब खबरों में थे मोहित सूरी वाली खबर को लेकर, तो आ गया पूरा मामला वीडियो में पहली बार। कुछ भी नहीं, ऐसी पुरानी यादों को लेकर हम लोग बातें कर रहे थे, और ये बात तो पतंगड़ बन गया, मतलब घर का ही बच्चा है कोई ऐसा। हाँ, लेकिन ये शिकायत मैं सुनना चाहूंगा। कोई बात नहीं, खबर तो बन गई, एक बार मोहित से मुलाकात होगा उसके बाद बात करेंगे। तो जब इस तरह की खबर आती है तो आपस में आप लोगों की क्या बात होती है? बात हो गई, उसका फोन आ गया, ऐसी बात नहीं है। तो अभी हम लोग मुलाकात करेंगे और हम लोग बैठ के सॉल्व करेंगे, ऐसी कोई बात। हमारी इंडस्ट्री में ऐसे छोटी छोटी अनबन होती है, लेकिन परमानेंट झगड़े नहीं होते। और भट्ट साहब के साथ बिल्कुल, क्योंकि आपका वो तो फैमिली है वैसे भी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। भट्ट साहब का तो उसमें कोई लेना देना भी नहीं, भट्ट साहब को तो इस बात का पता भी नहीं था, इसका तो कोई इल्म ही नहीं। दीपक जी, बच्चों को लॉन्च करने के मामले में क्या आपने सोचा है, क्या योजनाएं हैं, बच्चे कहाँ क्या काम कर रहे हैं, क्या खास है बच्चों के लॉन्च? देखिए, जहाँ तक मेरी बच्ची का सवाल है, शी इज इंडिपेंडेंटली डूइंग लॉट ऑफ वर्क, गुड वर्क शी इज डन, शी मेड मी प्राउड। उसने मासूम बहुत अच्छा काम किया और मुझे बहुत पसंद आई, सीरीज भी पसंद आई, एंड आई वाज थैंकफुल। मैंने भवन साहब को भी मतलब थैंक यू बोला, मतलब ही टुक केयर ऑफ माई डॉटर वेरी वेल, एंड लॉट ऑफ पीपल ऑन द सेट इनफैक्ट जॉय ने भी मेरे से बात की थी व्हेन ही वाज डूइंग बॉब विश्वास, सो आई शी मेड मी प्राउड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर वर्क विद हर। एक मुश्किल सवाल, इन दिनों जो अभी इन 5-7 सालों में जो लड़के आए हैं उनमें आपको सबसे प्रॉमिसिंग कौन लगता है और क्यों लगता है? एक्चुअली जितने बच्चे आए हैं और जितने लोग आ रहे हैं वो आजकल सारी तैयारी के साथ आते हैं। हमारे टाइम में हम लोग के पास ये फैसिलिटीज नहीं थी, आज ये सारे जिम बोलो, डांस बोलो, एक्टिंग बोलो, सब तैयारी करके आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हर एक की अपनी अपनी एक हुनर है, जो आज नहीं तो कल किसी न किसी फील्ड में आउटशाइन करके अपने आप उनको आगे बढ़ाएगा। सो आई थिंक एवरीबडी हैज अ चांस, एवरीबडी हैज अ पोटेंशियल। एक नाम जिस पे आपकी नजर रहती है, वो नाम मतलब ये क्यों ना है? ऐसे अभी देखते हैं, अभी फिल्में तो आनी बाकी है, तो उनको आने दीजिए, इसके बाद बताता हूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।